मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना। बाहर की पलकें मूंदते ही बाहर बहती 80% एनर्जी को आप भीतर की ओर बहने देना, अपने स्रोत से जुड़ने देना। जो ही तुम बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हो, देखना शुरू हो जाता है। तुम देखने लगते हो भीतर अपनी ओर, भले अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, अंधकार है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं, तुम उसी का अनुभव लेते रहना, उसी को देखते रहना। करना कुछ नहीं, अकर्ता होकर के देखना, ये तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति है, ये तुम्हारी ट्रू नेचर है, न्यूट्रल एनर्जी होकर की, निष्पक्ष ऊर्जा होकर की, केवल भीतर की विटनेस होकर की। विचारों की गति को देखते रहना, गर है तो, नहीं है तो जो भी स्थिति बने उसी में जागे रहना। अगर भाव दशा है तो गहरी डुबकी लगाना, अपनी प्यास, अपनी लगन, अपने प्रेम में डूबे रहना। अगर भाव दशा है तो तनिक मात्र भी देखने की जरूरत नहीं, डूबने की आवश्यकता है। जहां जहां आपकी श्रद्धा भाव है वो समक्ष आती है, उसमें डूब जाना, देखना नहीं डूबना। और अगर विचार दशा है तो देखते चले जाना। तुम जागी जागी आपके समक्ष जो भी आता है उसको देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना, अपने माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी फॉर्म ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना, माइंड के प्रति कुछ नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करना। तुम जाके जाके डायरेक्टली माइंड की गति को, विचारों की गति को वाच करना, सिंपली वाच, सिंपली लुक। पुनः पुनः लौटना वापिस अपने शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आई में, अपने साक्षी भाव में पुनः पुनः वापिस लौटना, देखने की प्रक्रिया में, देखने के प्रोसेस में। बहुत देखा बाहर हमने, परंतु भीतर से वंचित रहे, अपने भीतर ना देखा, अपनी ओर ना देखा। अनेकों के प्रति देखते देखते हम स्कैटर्ड होते चले गए, हम बटते चले गए, हम कहीं इंटीग्रेटेड ना हो सके। थोड़ा अपनी और, अपनी याद, अपनी स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस में थोड़ी देर रहना, मेडिटेशन है यार।
अपनी ओर अपने स्रोत की ओर लौटते चले आना। वर्तमान के पलों में जहां वो विराट अभिव्यक्त होता है उसकी अभिव्यक्ति में अधिकतर पास्ट में चले जाते हैं हम। माइंड हमको पुनः पुनः पास्ट की ओर ले जाता है। आप पुनः पुनः वापिस लौटना, बार बार वापिस लौटना, मन के स्वभाव को तनिक मात्र भी डिस्टर्ब नहीं करना, उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं, तनिक मात्र नहीं, उसको कुछ कहना नहीं। वो अपने स्वभाव में है, उसका स्वभाव है पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलना। पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना, अधिकतर पास्ट में रहना, ये उसका स्वभाव है। परंतु अगर तुम मन से हटते हुए, थोड़ा थोड़ा हटते हुए वापिस अपने स्वभाव में लौटोगे तो माइंड भी शांत होता जाएगा, स्वतः ही वापिस तेरे प्रकाश पुंज की ओर लौटेगा। वो तेरे बिना नहीं जा सकता कहीं, तेरे साथ, तुझे साथ लेकर के जाता है। वो तेरे प्रकाश, तेरी ऊर्जा, तेरी एनर्जी, तेरी पावर के बिना नहीं चल सकता। वो बिल्कुल पंगु है तेरा बिना। तुम उसके साथ आइडेंटिफाइड होते हो, तुम स्वयं माइंड हो जाते हो, तो ये पास्ट और फ्यूचर का खेल चलता हुआ एक दिन हमको मौत के हवाले कर देता है। ये दुर्भाग्य घटित ना होने पाए, शीघ्र अतिशीघ्र हम जागे, अपना जागा, अपनी होश, अपनी सुरती संभाले। हम थोड़ा माइंड से हट करके रहे, अपने स्वभाव में रहना मानव धर्म है, यही एकमात्र धर्म है। जागे जागे रहना, टोटलिटी में रहना, बाहर भीतर जागना, बाहर बाहर जागे, भीतर नहीं। भीतर की प्रायोरिटी, प्राथमिकता ही नहीं। यही संस्कृति है भारत की, जाग करके जीना। संस्कृति पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, ये कोई भाषा नहीं है। अपनी ओर जागे जागे जीना, मन के पार होकर के जीना, मन से हट करके, मन से उठ करके जीना, मन से थोड़ा स्वतंत्र होकर के जीना, अपने स्वभाव में जीना, ये हमारी संस्कृति है। सुसंस्कृत हो जाओगे जब तुम जागोगे, जानोगे कि मैं कौन हूं, तो धन्य धन्य हो जाओगे।
तुझसे मिलने का मार्ग नहीं दूर है। ओ प्यारे, उससे मिलने का मार्ग नहीं दूर है। तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। उससे मिलने का मार्ग नहीं दूर है। उससे मिलने का श्वास श्वास में प्यारा वो, हाँ तेरे श्वास श्वास में प्यारा वो भरपूर है। तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। क्यों भटकते हो डर डर सुनो में हर बार, क्यों भटकते हो डर डर भटकते हो दर दर सुनो मेहर बा। कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ। बहुत सुंदर कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मरते वक्त आखिरी दम में कहता है, अरे ओ धर्म गुरु, ओ धर्म के मार्गदर्शकों, कोई दो श्वास मुझे दे दे, कम से कम पश्चाताप तो कर लो। कोई 24 घंटे का श्वास दे दे, तब कम से कम मैं यूनान तो पहुंच लू। अगर मैं मरूं भी तो अपनी राजगद्दी पर, अपने साम्राज्य में, अपनी कैपिटल में, अपनी राजधानी में, इतना सा कोई कर्म कमा दे तो मैं सारे विश्व का खजाना उसे भेंट कर दूंगा, उस पर कुर्बान कर दूंगा। मैं अपना आप गुलाम हो जाऊंगा उसकी जिंदगी का, उसके द्वार पर मैं जीवन भर के लिए गुलाम हो जाऊंगा। कोई मुझको 24 घंटे की यात्रा तय करने की श्वास दे दे। बहुत सुंदर कहा अलेक्जेंडर ने। आज बड़े बड़े सिकंदर घूमते हैं दुनिया में, वह भूल गए सिकंदर की वाणी को, सिकंदर के इशारों को, सिकंदर की दी हुई दिशा को, सिकंदर के अनुभव को पीठ कर गए। क्या गजब की दिशा दी गया है वो व्यक्ति। बहुत सुंदर कहा कि जो जो मौत के हाथ लगना था वो ही मैंने इकट्ठा किया। जिसने एक दिन मौत के हवाले हो जाना था, जिनको सब सब जिनको मौत ने एक दिन छीन लेना था, वही वही मैं इकट्ठा करता रहा। जिसे मौत छू नहीं सकती, मौत छीन नहीं सकती, मौत जहां अपना जलवा दिखा नहीं सकती, वो मैं तनिक मात्र भी ना बटोर सका, उसे मैं अपना ना बना सका, उसको मैं कमा ना सका, उसको मैं खरीद ना सका, उसको मैं उपलब्ध ना कर सका, उसको मैं प्राप्त ना कर सका, मैंने उसके लिए कुछ ना किया। काश अगर मैंने किया होता, ददामी का कहना माना होता, अगर मैंने वो कमाई भी किया होता जिसे मौज नहीं छीन सकती, वो प्रकाश पुंज भी मेरे हाथ लगता, डायोजनीज वाला, ददामी वाला, तो आज मैं इतना दरिद्र, इतना गरीब होकर के संसार से जाने वाला ना होता, कदाचित ना जाता खाली हाथ। और दुनिया वालों, वो कमाई कर लेना जो तुम्हारी अपनी है, जिसे मौत भी छीन नहीं सकती, वो जागरण, वह स्वसुक्ति, वो टुठालड़ी तुम कमा लेना। मेरी तरह तुम बाहर बाहर नहीं भटकना, बाहर बाहर मैसे कर नहीं करना, बाहर बाहर की कमाई में, बाहर बाहर के शिखरों में ही नहीं रहना। अगर बाहर के शिखरों में भी रहना तो अपना भीतर का शिखर नहीं भूल जाना। जो मैं भूला, जो मैंने गलती किया वो तुम ना करना। संसार में रहना, भरपूर हाथ रहना,
और जब संसार से जाना तो भी भरपूर हाथ जाना, मुट्ठी बांधे हाँ खाली हाथ जाएंगे बिल्कुल नहीं। जागरण हो सुरती के आलों में डूबा हुआ इंसान पूरी मुट्ठी भरपूर ले जाता है, वो खाली हाथ नहीं जाता। वो जाता ही कहां है, वो तो सदा रहता है। इस एकमात्र कमाई को जो आज महाशिवरात्रि पे पावन प्रसाद की तरह उतरी है, महाशिवरात्रि के इस महान आलम में, इस वातावरण में, उसी की एक महान प्रसादी उतरी है। जी भरकर की इस ध्यान की प्रसादी को, इस जागरण की होश की सुनती की प्रसादी को ग्रहण करना। आज यही तुम्हारा व्रत, यही उपवास है। महाशिवरात्रि पे पावन महाव्रत, एक मात्र जो भगवान शिव को भाता है, जो उसको स्वीकार्य होता है, वो है तेरा जागरण, तेरी होश, तेरी सुरती, शरीर रूपी शाव में शिव का दर्शन, शिव नेत्र को उघाड़ लेना, अपने ध्यान का जल चढ़ा देना इस शिवलिंग पर जो शिव नेत्र की तरह जगमगाता है। सार्थक हो जाएगी महाशिवरात्रि जिस दिन, तो अगर इस दिन तो अपनी मौन की पंखुड़ियों में ध्यान का फूल खिला लेगा तो तेरी होठों पर बांसुरी लग जाएगी, तेरे पैरों में घुंघरू लग जाएंगे। तेरा नित उत्सव होगा, नित दिवाली होगा, नित महाशिवरात्रि होगा, नित झूले झूलेंगे आनंद के, मस्ती के, वहदत के जाम छलक उठेंगे बारो मास तेरे भीतर। तुझे अपने सुख शांति आनंद प्रेम प्यार मोहब्बत की जगमगाती हुई संगीत धारा रोम रोम में अनुभव होगी। तेरे भीतर से गीत गूंजेगी, तेरे भीतर से संगीत उठेगा, तेरे भीतर मैकदा मैखाना खुल जाएगा। नित नूतन जाम छलकाना मस्ती के, कभी कमी नहीं आएगी। तुम उस विराट रूपी महासागर से जुड़ जाओगे, जैसे एक कुआं सागर से जुड़ा हो तो नित नूतन फ्रेश तरोताजा वाटर लाता है, पानी लाता है जो हम सबकी प्यास को बुझाता है। ठीक उसी तरह भीतर की प्यास बुझती चली जाती, शांत होती चली जाती, तृप्त होती चली जाती है जब रात दिन तेरे भीतर वो शिव तत्व गूंजता हुआ जगमगाता हुआ तेरे हाथ लगता है। और जब ये स्थिति आती है तो तुम भी गा लेना जो नरेंद्र ने गाया बाबा रामकृष्ण के द्वार पर, इतना प्रेम भरा तुम भी प्यार भरा, निकटता समीपता का आलम पिरोना, जो मीरा ने महारानी होकर के भी गुरु रविदास के द्वार पर वीणा की धुन में बजाया। वह शब्द अलग अलग हो सकते हैं किंतु भाव सबका एक ही था। इतना प्यार प्रेम मोहब्बत नियरनेस, इतनी निकटता का, इतनी समीपता का, जहां एकत्व की स्थिति गूंजती है, जहां नृत्य उतरता है भीतर, जहां जाम दर जाम छलक उठते हैं मस्ती के प्रेम के, जहां एक आत्म स्थिति होती है, इतना प्रेम भरा अनन्य अनन्य प्रेम से भरा भरपूर भरा हुआ जाम जब छलकता है तो यही गाया जाता है जो उन्होंने गाया। गीत गूंजते हैं भीतर की धरा पर, निरंतर संवाद चलता है उसके साथ और तू धन्य धन्य होता है। महाशिवरात्रि यही एकमात्र सार्थकता रखती है। आज का उपवास, आज का व्रत यही है। मौन मेडिटेशन में अपने जागरण को, अपने होश को, अपनी सुरति को बढ़ावा देते चले जाना। ॐ गुरुवे नमः। ॐ गुरुवे नमः।
ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम 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 आई लिविंग लविंग मास्टर Lead me from darkness to light. I bow before you. I surrender unto you. You are mine. I am yours. मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना सम
मेरे भोले बाबा को अनाड़ी का संग, ओ मेरे भोले बाबा को आना। प्रतीक कहाँ बाहर का? मेरे भोले बाबा को सिंबॉलिक। हाथों में डमरू मदारी ना समझो, हाथों में डमरू मदारी ना समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, हाथों में डमरू मदारी 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 ना समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो। भोले बाबा सिर गंगा जी सोए, मेरे भोले बाबा सिर गंगा जी सोए, हमरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा सिर गंगा जी सोए, मेरे भोले बाबा सिर गंगा जी सोए, गंगा को देख के पनिहारी न समझो, गंगा को देख के पनिहारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अपने भीतर, अपने आप में, अपनी थर्ड आई, अपने साक्षी भाव में, अपने मन के प्रति जागने में सब कुछ तेरे हाथ लग जाता है, जिसकी ओर इशारा तमाम जागे पुरुषों ने किया। इतना सा कर्म आज किस महापर्व पर तुम कमा लेना, मालोमाल होके जाना, तुम सरोबर होके जाना, तुम तरोबर होके जाना, तुम सरल चित्त हो गए, चाइल्ड लाइक, बहुत इनोसेंट, निर्दोष आत्मिक तल पे होके जाना, धन्य धन्य हो जाओगे। यही तुम्हारा व्रत, यही तुम्हारा उपवास है, यही तुम्हारी साधना, यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारा तप है। अंतर्मुखी रहना, आज शिव से जुड़े रहना, आज इस शव से हट करके शिव के दर्शन में रहना, अपने आप के दर्शन में रहना। ओम ओंकार आमीन एमन। अब आप जाएं वहीं भीतर बैठे महादेव को प्रणाम करते।